हेलो गाइस, मैं शान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज हम जानेंगे मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन टेबलेट के बारे में। ये टेबलेट क्या होती है, क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं इसके, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और किन लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन टेबलेट होती क्या है। मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एक हार्मोनल मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल सिर्फ महिलाओं में ही किया जाता है। महिलाओं में एक हार्मोन होता है जिसको प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं। जब बॉडी इसको खुद नहीं बना पाती है तब इसको लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रोजेस्टिन हार्मोन की तरह ही वर्क करती है और इसका इस्तेमाल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी किया जाता है। जब किसी महिला के शरीर में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसको कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे कि पीरियड इरेगुलर होने लगते हैं, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है या फिर एमनोरिया हो जाता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लंबे समय तक पीरियड्स का ना आना, ये भी समस्या हो जाती है महिलाओं में। तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एक मेडिसिन नेम है। ये कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी, जैसे कि मेफ्रेट टैबलेट, प्रोवेरा टैबलेट, मेड्रोजेस्ट टैबलेट, तो ये कुछ इसके ब्रांड नेम हैं। या फिर इसके अलावा भी कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो कंपोजिशन होता है, मेडिसिन होती है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन ही होती है। तो जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये एक हार्मोनल मेडिसिन है। जब महिलाओं की बॉडी हार्मोन्स नहीं बना पाती, जैसे प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्टिन या हार्मोन होते हैं महिलाओं में, ये बॉडी खुद नहीं बना पाती है, इसकी कमी हो जाती है, तो एक गायनकोलॉजिस्ट के द्वारा, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जब महिलाओं की बॉडी में इस हार्मोन की डिफिशेंसी हो जाती है तो पीरियड से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं, जैसे कि डिसमेनोरिया हो जाता है। इस कंडीशन में महिलाओं में पीरियड काफ़ी पेनफुल आते हैं, काफ़ी दर्द होता है, स्पॉटिंग होती है, कभी कभी पीरियड ज़्यादा दिन तक आते हैं या फिर एक दो दिन में भी समाप्त हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जिन महिलाओं को एमनोरिया की कंडीशन हो जाती है, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिन महिलाओं को लंबे समय तक पीरियड नहीं आते हैं और प्रेगनेंसी चेक करती हैं तो उनको प्रेगनेंसी भी नहीं होती है, 2 महीने, 3 महीने, यहाँ तक कि 4 महीने तक हो जाते हैं महिलाओं में पीरियड नहीं आते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेबलेट को देने के बाद महिलाओं में पीरियड आना शुरू हो जाते हैं। महिलाओं के यूट्रस में एक लाइनिंग होती है, परत होती है, उसमें ओवरग्रोथ होने लगती है, यानी कि उसमें सूजन आने लगती है, तो इस कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यूट्रस की लाइनिंग की ओवरग्रोथ को रोक देती है। इस टेबलेट का इस्तेमाल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी किया जाता है, यानी कि शादी के बाद जो महिलाएं जल्दी गर्भधारण नहीं करना चाहती, प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, तो इस कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन गर्भ निरोधक की तरह भी काम करती है। अगर किसी महिला को एंडोमेट्रोसिस हो गया है या फिर एंडोमेट्रोसिस हाइपरप्लासिया की कंडीशन हो गई है, यानी कि जो बच्चेदानी होती है उसमें परत होती है जिसको एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं, जब उसमें सूजन आने लगती है तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी महिला को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, काफ़ी दिनों से हो रही है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन तक हो गए हैं, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी महिला को एबनॉर्मल यूटरिन ब्लीडिंग हो रही है, उसका कारण का पता नहीं है किस वजह से ये ब्लीडिंग होने लगी, अचानक ही होने लगती है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारी महिलाओं में स्पॉटिंग होने लगती है, यानी कि दाग जैसे आने लगते हैं या फिर थक्के जैसे बनने लगते हैं, क्लॉट्स बनने लगते हैं, ये पीरियड्स के साथ भी आते हैं या फिर ये बिना पीरियड्स के भी आने लगते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इस टेबलेट को किस तरह से लेना चाहिए, इसके क्या डोजेस होते हैं। मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन 10 mg की एक गोली आती है। इस टेबलेट का इस्तेमाल पेशेंट की एज, सेक्स, कंडीशन पर डिपेंड करता है। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसका डोज डिसाइड करते हैं। अगर किसी को एमिनोरिया है, यानी कि लंबे समय से पीरियड्स नहीं आए हैं, 2 महीने 3 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी महिलाओं को 10 mg की एक गोली सुबह शाम लगातार 5 दिन तक दी जाती है। उसके बाद महिलाओं में पीरियड आने लगते हैं। अगर किसी को इरेगुलर पीरियड की समस्या है, यानी कि 15-20 दिन में आ जाते हैं, जल्दी जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं या फिर लेट से आते हैं, जिसको इरेगुलर पीरियड्स कहा जाता है, तो ऐसी महिलाओं में पीरियड के 5वें दिन से और लगातार 21 दिन तक इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक गोली दिन में एक बार या फिर सुबह शाम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इस टेबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
दोस्तों इस मेडिसिन को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नौसिया एंड वोमिटिंग यानी कि मितली लग सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट में नींद ना आने की समस्या हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, या एंजाइटी डिप्रेशन यानी कि चिंता या फिर बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है। इस टेबलेट को लेने से ब्रेस्ट में पेन हो सकता है या फिर हल्की हल्की स्पॉटिंग या फिर यूटरिन ब्लीडिंग भी हो सकती है, चेहरे पर एक्ने आ सकते हैं, स्किन पर रैशेस भी हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं तो आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला हाइपर सेंसिटिव है या फिर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है तो ऐसी महिलाओं को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर पहले से ही कोई हार्मोन थेरेपी चल रही है, ऑलरेडी कोई मेडिसिन ले रही है, तो ऐसी महिलाओं को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वूमेन है यानी कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर किसी महिला को पहले से ही सूजन है, हाथ पैरों में सूजन है या फिर पेट में किसी तरह की सूजन है, आंतों में सूजन आ गई है, तो ऐसी महिलाओं को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी महिला को किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसी महिलाओं को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अगर किसी महिला को एंजाइटी या फिर डिप्रेशन की कंडीशन पहले से ही है, तो ऐसी महिलाओं को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन टेबलेट क्या होती है, क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और किन लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव डोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे।